Everton and Tottenham Hotspur round up the Premier League weekend when they meet at Goodison Park on Monday night. Everton vs Tottenham के बीच ये मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और मुझे काफी दिक्कत हुई ये चिंते हुए कि ये मैच किसकी तरफ जाने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीम्स प्रीमियर लीग की बेहतरीन टीम्स में से एक है। बट मुझे लगता है कि टॉटनम बाजी मार जाएगा इस मैच में स्ट्रगलिंग एवर्टन के अगेंस्ट। तो क्यों बाजी मारेगा टॉटनम इस मैच में, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं हम एवर्टन की। एवर्टन के लिए टाइम काफी खराब चल रहा है, क्योंकि उन पे एक्यूजेशंस लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने फाइनेंशियल फेयर प्ले के रूल्स तोड़े हैं और प्रीमियर लीग ने इन्वेस्टिगेशन ओपन की है, जो कि शायद एवर्टन के कुछ पॉइंट्स डिडक्ट हो सकते हैं प्रीमियर लीग से। हालांकि क्लब ने ये सारे एलिगेशन को डिनाई किया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमेशा लिमिट्स के अंदर ही काम किया है, पर अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि ये चीज अभी इस सीजन करंट सीजन में उनको अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। अब बात करते हैं उनकी ऑनफील्ड परफॉर्मेंस की। एवर्टन अभी 18th नंबर पे है प्रीमियर लीग पॉइंट्स टेबल पे और 17th पोजीशन पे लीड्स यूनाइटेड और एवर्टन के पॉइंट्स अभी सेम है 26। और अगर एवर्टन आज जीत जाती है या ड्रॉ भी खेल लेती है तो वो रेलिगेशन जोन से एक पोजीशन ऊपर आ जाएगी। जब से एवर्टन के न्यू कोच सीन डाइच बने हैं, तब से एवर्टन ने अपने होम ग्राउंड गुडिसन पार्क में 4 में से 3 मैचेस जीते हैं और उनमें से एक जीत टेबल टॉपर्स आर्सेनल के अगेंस्ट भी है। तो आज का मैच देखना होगा कि कैसे एवर्टन आज टॉटनम हॉटस्पर के अगेंस्ट खेलती है। आज का मैच भी उनके होम ग्राउंड गुडिसन पार्क में ही है। एवर्टन ने इंटरनेशनल ब्रेक से पहले चेल्सी के अगेंस्ट ड्रॉ मैच खेला था, जो कि एक अवे मैच था एवर्टन के लिए। अगर आपको प्रीमियर लीग जैसी डिफिकल्ट लीग में बने रहना है तो आपको होम मैचेस के साथ साथ अवे मैचेस भी जीतने होते हैं। फ्रैंक लैम्पार्ड के जाने के बाद एवर्टन धीरे धीरे अपने न्यू कोच सीन डाइच के अंदर इंप्रूव कर रही है और अच्छे परफॉर्मेंस दे रही है। और अब बात करते हैं एवर्टन की टीम न्यूज की। इस मैच में भी एवर्टन अपने स्टार स्ट्राइकर डोमिनिक कावर्ट लिविन का सर्विस नहीं ले पाएंगे बिकॉज ऑफ इंजरी। वो ट्रेनिंग में तो वापस आ चुके हैं बट इस मैच में नहीं उतर पाएंगे और विंगर एंड्रू टाउनसेंड भी इस मैच में अवेलेबल नहीं होंगे। इस मैच में भी एवर्टन के फैंस की नजरें डेमराई ग्रे पे फिर से होंगी, जो कि इस सीजन काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो दोबारा दारमोदार इस बार भी इस मैच में भी डेमराई ग्रे पे होगा। लास्ट मैच में चेल्सी के अगेंस्ट एवर्टन के मिडफील्डर डोकोरे ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और इस मैच में भी वो यही परफॉर्मेंस दोहराने की कोशिश करेंगे। क्लब लेजेंड एंड कैप्टन शेमस कोलमैन इज सेट टू मेक हिज 350th प्रीमियर लीग अपीयरेंसेस फॉर एवर्टन। ही विल बिकम द थर्ड एवर्टन प्लेयर टू रीच द माइलस्टोन आफ्टर लियोन ओसमैन 352 एंड टिम हावर्ड 354। अब बात करते हैं टॉटनम हॉटस्पर की। टॉटनम हॉटस्पर का ये पहला मैच होगा कोच एंटोनियो कॉन्टे के बिना, जिनको टॉटनम ने एक हफ्ते पहले ही सैक कर दिया है। टॉटनम ने अपना लास्ट मैच इंटरनेशनल ब्रेक से पहले साउथहैम्पटन के अगेंस्ट खेला था 3-3 से ड्रॉ, और जिसके बाद पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में टॉटनम के हेड कोच एंटोनियो कॉन्टे ने कहा था कि टॉटनम के प्लेयर्स काफी सेल्फिश हैं और इनमें से कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो टीम में एक दूसरे की हेल्प नहीं करना चाहते हैं और अपना 100% भी नहीं देते हैं मैच में। इस स्टेटमेंट के बाद टॉटनम ने कॉन्टे को सैक कर दिया है और अब टीम की कमान इंटरिम कोच क्रिस्टियन स्टेलिनी के हाथ में है, जब तक कोई परमानेंट मैनेजर टॉटनम को नहीं मिल जाता। टॉटनम अभी प्रीमियर लीग पॉइंट्स टेबल में 5th पोजीशन पे है और अगर वो ये मैच जीत जाते हैं तो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को पीछे छोड़ के 4th पोजीशन पे आ जाएंगे। ऑन पेपर टॉटनम काफी स्ट्रांग लग रही है एवर्टन के अगेंस्ट और उनके स्टार स्ट्राइकर हैरी केन काफी शानदार फॉर्म में है और उन्होंने इस सीजन प्रीमियर लीग में 21 गोल मारे हैं और टॉप स्कोरर की लिस्ट में 2nd पोजीशन पे भी हैं। और केन का एवर्टन के अगेंस्ट भी रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है, उन्होंने एवर्टन के खिलाफ 14 गोल्स मारे हैं प्रीमियर लीग में। टॉटनम ने लास्ट 20 मैचेस खेले गए एवर्टन की अगेंस्ट में से सिर्फ एक मैच हारा है। वाह क्या रिकॉर्ड है यार। और टॉटनम आर अनबीटन इन द लास्ट 9 विजिट टू गुडिसन पार्क विद 3 विंस एंड 6 ड्रॉस। टॉटनम ने फर्स्ट लेग में भी इस सीजन के प्रीमियर लीग में एवर्टन को 2-0 से हराया था। और टॉटनम हॉटस्पर के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि उनके कैप्टन हुगो लॉरिस इंजरी से वापस आ चुके हैं और वो शायद आज का मैच भी खेलेंगे। हुगो लॉरिस ने लास्ट 9 मैचों से टॉटनम के लिए नहीं खेला हो, तो ये न्यूज काफी बड़ा बूस्टअप है टॉटनम हॉटस्पर के लिए और उनके फैंस के लिए। इवन पेरिसिच भी रिकवर हो चुके हैं अपनी काफ इंजरी से, वो भी शायद आज का मैच खेल सकते हैं। बट रिचार्लिसन, बिसोमा, बेन डेविस, एमरसन रॉयल, ये सब अनअवेलेबल हैं आज के मैच के लिए।
बट स्टिल ऑन पेपर एंड फील्ड पे टॉटनम स्ट्रॉन्ग लग रही है एवर्टन से बिकॉज ऑफ देयर फॉर्म अगेंस्ट एवर्टन इन द प्रीमियर लीग एंड उनके प्लेयर्स का फॉर्म में होना, जैसे कि सॉन, पुलिसेस्की, हैरी केन, तीनों जो फ्रंट में खेलते हैं काफी अच्छी फॉर्म में है। आपको क्या लगता है इस मैच में कौन बाजी मारेगा, मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए मैं चलता हूं, मिलता हूं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।